की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को सुधारने के बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन शिक्षा देने वाले ही प्राथमिक विद्यालय में सहायक पद पर तैनात शिक्षक ही सरकार के वादों पर पलीता लगा रहे हैं। स्कूल में शिक्षा देने के नाम पर चाय और कॉफी में ही पूरा दिन गुजार देते हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक की ग्राम पंचायत भूजपुर आशा के प्राथमिक विद्यालय से सामने आया है। पिछले एक महीने से शिक्षकों के आपसी विवाद में स्कूल अखाड़ा बनता चला जा रहा है। शिक्षक अपने निजी स्वार्थ में इतना मदहोश हो गए हैं कि स्कूल में पढ़ाने के बजाय एक दूसरे को अपशब्द कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंचकर इस बात का विरोध भी जताया। लोगों ने कहा कि अगर शिक्षक ही स्कूल में इस तरह का माहौल बनाएंगे तो हमारे बच्चों को वे क्या सिखाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही जिला प्रशासन इस मामले पर संज्ञान नहीं लेता है तो सभी ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से रोक लेंगे। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पूरा मामला हमारे संज्ञान में आ गया है और शिक्षकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। शिक्षकों से पूछा गया है कि स्कूल में इस तरह माहौल क्यों बन रहा है। शिक्षकों के जवाब के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जरूरत पड़ने पर शिक्षकों के वेतन तक रोक लिए जाएंगे। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। बेटे क्या नाम है आपका? सर रिया शर्मा। जोर से बोलो। रिया शर्मा। रिया बेटे क्या हुआ था स्कूल में? सर ये कल भी लड़ी थी और आज भी लड़ने को तैयार है और सर ये मारने को चल रही थी और रोज लड़ती है, उनसे पहले भी बहुत बार लड़ चुकी है। कौन है जो लड़ती है? कुसुम मैम से। प्रिंसिपल है ना ये? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। मैम क्या मामला, क्या बेटे क्या मामला है? उस दिन स्कूल में लड़ाई हो रही थी सर जी। जी क्लास में बैठे वो कुछ बच्चे देख रहे थे और मैम ने डांट कर बिठा दिया सब बच्चों को। अच्छा ये मैम जी उस दिन मैम को टेम्पो में से भी उतार दिया मुराया। अच्छा मैम ड्यूटी नहीं करेगी क्या अपनी? कितने बजे आती है मैम? 9:30 बजे आती है। तो लड़ाई किस बात पर हुई थी सर पता ना? क्या करते हैं ये स्कूल में शिक्षक आन के यहाँ पे मूंगफली वगैरह चाहते हैं या नहीं? हाँ सर मूंगफली भी खाते हैं, चाय भी देते हैं। कितने टाइम लोग आपको शिक्षा देते हैं और कितने टाइम तक ये रेस्ट करते हैं? सर सुबह से रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद पढ़ाते हैं चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद पढ़ाते हैं। कितने टाइम तक? एक घंटा पढ़ाते हैं आपको पूरे दिन में या दो घंटे पढ़ाते हैं? सर सुबह से तो पढ़ाते हैं फिर शाम इंटरवेल के बाद खाना खाने के बाद फिर लेट आते हैं उधर से बैठे हैं पल्ली प्राइमरी में तो वहाँ से लेट आते हैं सर सब। ठीक मेरा नाम गिरिराज सिंह यादव है। अच्छा गिरिराज सिंह जी क्या मामला है जो आज स्कूल में आप लोग इकट्ठा हुए हैं? मामला ये है प्रधान जी ने बताया गया कि जो शिक्षक लोग यहाँ पे अपनी शिक्षा ड्यूटी का निर्वाह उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं और आते हैं यहाँ आने के बाद मूंगफली अपना चाय बन मना ये सब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं बाकी जो कार्यवाही अपनी जो ड्यूटी का निर्वाह नहीं ढंग से नहीं कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में यहाँ पर? ये तो बच्चों के अच्छे क्या चाहते हैं आप जो आज आपने बहिष्कार किया? ये बहिष्कार का एक ही अर्थ है कि हमारे जो अधिकारी तक हमारी वार्तालाप पहुंचाई जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, हम यही चाहते हैं। क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे स्कूल में बच्चों को? शिक्षा तो अभी मैं इनका जीके देख रहा था, जीके भी कुछ अच्छा नहीं है। अभी तो कुछ बच्चों से ट्राई लूँगा मैं, देखता हूँ बोला किस बच्चों के मैं कोई देख ही नहीं रहा, कोई बच्चों में कोई लापरवाही है नहीं, कोई मतलब बैंडेशन नहीं है, ज्ञान ही नहीं ले पा रहे ढंग से जो इनको ज्ञान मिलना चाहिए। हम इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, बहुत दूर खबर पड़े हुए नहीं, लेकिन अब की शिक्षा में और यहाँ की अब पहले की शिक्षा में बिल्कुल अंतर खत्म हो गया। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह। कौन से गांव के प्रधान? भूजपुर आशा ब्लॉक मुंडा पांडे। अच्छा प्रधान जी क्या मामला है जो आज बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं स्कूल में? हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे काम चल गया था, शौचालय वगैरह बनने थे स्कूल में, तो मैं अचानक घूमने के लिए आया था। मैंने मैडम से कहा मुझे जरा रजिस्टर दिखाइए कितने लोग उपस्थित हैं आपके स्टाफ के, उसमें 2 लोगों के साइन हुए थे, वो मौके पर मौजूद ही थे। मैंने मैडम से कहा कि मैडम ऐसा क्यों हो रहा है, इनके साइन मौजूद है ये उपस्थित नहीं है। मैडम ने कहा मुझसे ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसे चलेगा, तो इसलिए मैंने गांव के सब लोगों को सूचित किया भाई हमारे यहाँ स्टाफ की शिक्षा बाकी बहुत दुर्घटता है, किसी का कहना नहीं मानना है, आप लोग उसमें सहयोग करो। शिक्षा के टीचर आते हैं स्कूल में साइन करके चले जाते हैं,
जूनियर में 143 बच्चे हैं मौजूद स्थिति में 25-30 बच्चे कुल मौजूद हैं, 51 बच्चे प्राइमरी में है, बाकी 25-30 बच्चे आ रहे हैं। किसी आय विभाग से जाकर गांव में संपर्क नहीं किया जा रहा है। स्कूल में शिक्षा का स्तर कुछ चौपट हो गया है, इसमें मजबूरी में जो आकर हमें ये गाँव के सब लोगों को कदम उठाना पड़ा है। कितने शिक्षक हैं और कितने टाइम पर आते हैं शिक्षक? 9 आज तो कल मैंने कह दिया था टाइम पर स्कूल खुलेगा, तो इसलिए टाइम पर आ गए, थोड़े लेट भी हो जाते हैं। 5 शिक्षक रखे हैं जूनियर में, 4 प्राइमरी में। आज कितने हैं मौके पर? आज तो सब पूरे शिक्षक हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाह रहे हैं अधिकारियों से हमारी बात का संज्ञान लें, बच्चों की अनुपस्थिति बहुत कम है। शिक्षा विभाग बैठते हैं, हमारे पास वीडियो ही बनी हुई है, कमरे में मूंगफली चपते हैं, चाय बनवाते हैं, और शिक्षा के नाम पर इनका काम बच्चों को कोई पूरा नहीं है, इसलिए गाँव वालों को सबको इकट्ठा किया गया है। किसी से जाकर गाँव में जनसंपर्क नहीं किया था कि हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाए। किसी आला अधिकारी से आपने शिकायत की इसकी? हमने उस दिन 2 टीचर अब्सेंट थे तो AVSO को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा हम आपकी इस बात का संज्ञान लेंगे, हमारी कोई बात को उसका संज्ञान लिया गया, हम BSA से DM से भी जाकर मिलेंगे। अगर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं होगी कार्रवाई, हम DM साहब से ऐसे बताते हैं, BSA साहब से मिलेंगे, नहीं होगी तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हम गाँव की एक शिकायत डालेंगे। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह। चमन सिंह जी, कौन से पद पे आप इसमें प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं सहायक अध्यापक पद पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, सहायक अध्यापक पद पे आप पढ़ा रहे हैं, क्या विवाद हुआ था और 3 दिन से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है आपके जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज की उनकी वजह से? सर, प्रिंसिपल साहब जो है यहाँ पे महिला स्टाफ ज़्यादा होने की वजह से, और आप एक दूसरे महिला एक दूसरे के खिलाफ हैं आपस में, इनमें मनमुटाव रहता है, और ये सारे लोग टेम्पो से मुआवजा साथी आती हैं आपस में, और फिर आगे यहाँ पर विवाद करते हैं सुबह सुबह आकर सब लोग। अच्छा, जो मैम हैं जिनसे विवाद हुआ था, क्या नाम है उनका? उनका नाम है लक्ष्मी भारद्वाज। तो ये 3 दिन से आप लोगों का विवाद चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप, कौन जिम्मेवार है? ये प्रिंसिपल हेड ही जिम्मेदार होता है, जो टीम का इंचार्ज होता है, मुख्य होता है, उनकी कमांड नहीं है, बाकी जो प्राइमरी का स्टाफ जो वो उन्हें भड़काता है, जैसे अर्चना है, ऋतु है, ये लोग सब उन्हें भड़काते हैं, और फिर हमारे जूनियर वाले लोगों के खिलाफ वो हमसे लड़ती आगे हैं वहाँ के। अच्छा, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल की बजाय ठपोतरा नजर आ रहा है आपके कॉलेज में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे लिए दुख का विषय है, हम तो अपनी तरह से मन से पूरा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और ये आपस में हमारी प्रिंसिपल विवाद करा रही हैं, तो इसी वजह से हमें भी दुख होता है थोड़ा। 3 दिन से पढ़ाई नहीं हुई बच्चों की, बच्चे साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैम बहुत लड़ती हैं झगड़ती हैं। हाँ, ये तो सारे बच्चे गवाह हैं, सुबह आके लड़ती हैं मैम, और बच्चे सुबह आते हैं सबसे पहले टेम्पो उतरते हैं, प्रार्थना कराते हैं, उसका लड़ने बैग रख कर अपना ये उनसे रश्मि भारद्वाज से लड़ना शुरू कर देती हैं, ये गीता और कुसुम देवी दोनों स्टाफ। बच्चों के भविष्य के बारे में अगर 3 दिन से इसी तरीके से रहा तो क्या क्या रहेगा, क्या लगता है तुम्हें? तुम तो यहाँ शिक्षा दे रहे हो बच्चों को। बच्चों का भविष्य तो मतलब कष्ट में ही है, बच्चों को नुकसान ही होगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे तो आप स्कूल के बारे में, जो विवाद आप लोगों का चल रहा है बच्चों के भविष्य पे, इस पे असर पड़ रहा है? मैं तो ये कहना चाहूँगा सब लोगों को आपस में इस तरह के विवाद नहीं करना चाहिए, और हमारे जो भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो आकर हमारे इस विवाद को सुलझाएं हमारे बीच आकर। किसी अधिकारी को अब तक इस मामले का आपके विवाद के बारे में पता चला? हमें किसी अधिकारी को इस तक बात पहुँचाई नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं आपस के बाद आपस में सुलझ जाए तो ये बेहतर ही होगा। विकासखंड मोंडा पांडी की ग्राम पंचायत भोजपुर आश्रम में एक जो प्रधान अध्यापिका हैं और जो अध्यापक हैं वहाँ, जो शिक्षा बच्चों में शिक्षक हैं, उनमें आपस में कुछ मनमुटाव चल रहा है, जिसको लेके एक महीने से जो अभिभावक हैं और जो बच्चों के गार्जियन हैं वो ये शिकायत करते चले आ रहे हैं लगातार कि वहाँ पे जो शिक्षा देने वाले अध्यापक हैं वही आपस में लड़ते हैं, तो बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाएगी, और ये मामला सुर्खियों में बना हुआ, क्या कहेंगे आपस में? भोजपुर आश्रम में एक महीने से तो नहीं जानकारी है, ग्राम प्रधान ने 1 फरवरी को कार्यालय में सूचना दी हमारे फोन पर कि हमारे यहाँ के 2 अध्यापक जो है बगैर बताए स्कूल से चली गई है। उस पर प्रधानाध्यापक वहाँ के जो हेड हैं कुसुम देवी, उनसे बात की गई, उनको निर्देश दिया गया कि विभागीय नियम के अनुसार कोई भी अध्यापक विद्यालय में हस्ताक्षर करके अवकाश समय से 3 बजे से पहले विद्यालय से नहीं जाए। सर, जब शिकायत मिली थी कितना समय हो गया प्रधान द्वारा आपको जो शिकायत दी गई थी? 1 तारीख को, 1 फरवरी को। सर, इसमें क्या कार्रवाई की है? इसमें प्रधानाध्यापका के लिए एक तो शिक्षण कार्य में सुधार हेतु 1 सप्ताह का समय दिया गया है, कि 1 सप्ताह में आपके विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद में अगर छात्रों के शैक्षिक स्तर में सुधार नहीं होता है तो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ पूरे स्टाफ का जिम्मेदारी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। अच्छी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी अगर ये लोग नहीं सुधार करते हैं शिक्षा में? शिक्षण कार्य में अगर सुधार नहीं करते हैं तो विभागीय कार्रवाई संस्तुति के लिए जिला विधि शिक्षा अधिकारी को संस्तुति की जाएगी। अच्छा, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि वो बच्चों को डांटती भी हैं मारती भी हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर कोई भी शब्द उनको नहीं पढ़ाती हैं।
नहीं, इस तरीके का आरोप क्योंकि पिछले सत्र से लेकर अब तक अभी माह दिसंबर हमारे द्वारा दो बार निरीक्षण किया जा चुका है। ग्रामवासी भी थे, ग्राम प्रधान जी भी थे और माननीय मुख्य सचिव का चौपाल का कार्यक्रम भी वहां का लगा हुआ था। शिक्षा अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया गया तो किसी ग्रामवासी द्वारा इस तरीके की शिकायत नहीं की गई। लेकिन अब परसों जो की शिकायत आई है तो प्रधानाध्यापक नोटिस दे करके एक सप्ताह का समय दिया गया। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।